ओ भाई बहुत गर्मी पड़ रही है यार यहाँ पे तो। यहाँ पे नहीं होगा, मे बी वी शुड मूव। यहाँ पर थोड़ा सही है। Today I got this awesome text reveal for you. और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे इसका आइडिया आया कहाँ से। तो अभी कुछ दिन पहले जब मैं अपने डिवाइस को पावर ऑन कर रहा था तब मुझे इस वीडियो का आइडिया आया और मुझे इसका टेक्स्ट रिवील काफी अच्छा लगा था, तो मैंने कहा इस पर ट्यूटोरियल बनता है। Let's fire up, नहीं fire up नहीं, so let's ice up Kind Master. ओके, तो सबसे पहले हमें एक येलो बैकग्राउंड ऐड करना है जो कि हम एज अ क्लिप ब्लैक येलो सॉलिड ऐड कर लेंगे और उसके बाद हमें व्हाइट सॉलिड ऐड करेंगे एज अ लेयर, जिसका कलर हम पिंक कलर पे चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप सा लुक बन जाए। और पिंक कलर में चेंज करने के बाद तुम्हें इस पर क्रॉपिंग में जाना है, क्रॉपिंग में जाके मास्क ऑन करना है और मास्क के बाद फेदर को फुल कर देना और उसके बाद तुम्हें अपने पिंक वाली लेयर को टाइमलाइन में जाकर उसे अपनी क्लिप के हिसाब से एडजस्ट करना है और थोड़ा सा बड़ा कर उसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लगा देना और ब्लेंडिंग वगैरह साथ करके खेलना चाहो तो तुम खेल सकते हो। और अपनी पिंक वाली लेयर को एडजस्ट करने के बाद तुम्हें उस लेयर को सिलेक्ट करना है और उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद उसे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद तुम्हें उसे ब्लू कलर में चेंज कर टॉप राइट कॉर्नर पर लगा देना है और ब्लू कुछ डार्क ब्लू कलर में, और उसके बाद तुम्हें डार्क ब्लू कलर को भी डुप्लीकेट करना है और इसे थोड़ा लाइट ब्लू कलर करके उसके नीचे लगा, जिससे तुम्हें फोर कलर ग्रेडियंट लुक मिल जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें ब्लैक सॉलिड ऐड कर एक टेक्स्ट ऐड करना है और टेक्स्ट ऐड करने के बाद तुम्हें कोई भी बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके उसे कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देना और फिर तुम एक नए प्रोजेक्ट में अपनी उस कैप्चर्ड इमेज को ऐड करना है जैसे कि मैंने किया है और उसके बाद तुम्हें एक टेक्सचर ऐड कर लेना है। मैं इसमें मेटालिक टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ ये थॉर के हैमर से। जिन लोगों को नहीं पता कि टेक्सचर कैसे ऐड करते हैं उनको मैं फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो तुम गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर कोई भी एक मेटालिक टेक्सचर की इमेज डाउनलोड करो और उसके बाद काइन मास्टर में जाकर अपना टेक्स्ट ऐड कर और अपनी उस मेटालिक लेयर को एज ए लेयर ऐड कर तुम्हें उसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करनी है और बस मिल जाएगा। और उसके बाद तुम्हें उसे भी कैप्चर एंड सेव कर लेना है जिससे वो सेव हो जाएगी ऑब्वियसली। और उसके बाद तुम्हें एक नया ब्लैक सॉलिड ऐड करना है एज अ क्लिप और उसके बाद तुम्हें एज अ लेयर अपनी वो टेक्सचर्ड वाली टेक्स्ट को लेयर को ऐड करना है और उसके बाद तुम्हें एक टेक्स्ट ऐड करना है जिसमें सिर्फ आई अल्फाबेट लिखा होगा। उसके बाद तुम्हें उस आई अल्फाबेट को सिलेक्ट करना है और ग्लो के ऑप्शन में जाकर उसका ग्लो ऑन कर देना है और ग्लो का कलर तुम्हें ये ब्लू कलर रखना है जो कि तुम कलर व्हील पर भी ध्यान से देख लो, उसके बाद तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अगर तुम चाहो भी। और उसके बाद तुम्हें स्प्रेड और साइज की वैल्यूज को एडजस्ट करना, वैल्यूज तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगी और तुम चाहो तो उसे अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। और फिर तुम्हें अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है जिससे वो टॉप पर आ जाएगी और उसके बाद तुम्हें ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना है और टेक्स्ट वाली लेयर की ब्लेंडिंग को तुम्हें मल्टीप्लाई पर चेंज कर देना है और उसके बाद तुम्हें उस आई अल्फाबेट को एनिमेशन दे देनी है जैसे वो लेफ्ट से राइट जाए कुछ इस तरह से, उसके बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। और उसके बाद तुम्हें लेयर पर जाना है, इफेक्ट्स पर जाना है और सबसे बेसिक इफेक्ट्स में जाकर तुम्हें गॉज एंड ब्लर इफेक्ट उसमें लगाना है और उसे अपने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना टाइमलाइन पर भी और स्क्रीन पर भी। और उसके बाद तुम्हें गॉज एंड ब्लर इफेक्ट की स्ट्रेंथ को 7-9 के बीच बीच में रखना है। और इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े आई काइंड ऑफ नीड योर हेल्प क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमारा सब्सक्राइब बटन जम गया है, तो इसे दबाकर इसकी बर्फ को पिघलाने में मदद करो। सीधी सीधी भाषा में बोल दो सब्सक्राइब करो। और उसके बाद तुम्हें अपनी टेक्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देना जिससे वो सबसे ऊपर आ जाएगी और उसे ये ग्लो सा कुछ लुक मिल जाएगा जैसे तुम देख सकते हो। और उसके बाद जहाँ पर तुम्हारी आई वाली लेयर की एनिमेशन खत्म हो रही है वहाँ पर तुम्हें अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को स्प्लिट कर देना है और उसके बाद जो दूसरी टेक्स्ट वाली लेयर स्प्लिट होकर आएगी तुम उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहो तो कर लेना जैसे मैंने थोड़ा सा किया है और उसके बाद तुम्हें उस लेयर को सिलेक्ट करना है उसकी ब्लेंडिंग को कुछ देर के लिए नॉर्मल पर शिफ्ट कर देना जिससे आगे हमें इस लेयर को एडिट करने में काफ़ी आसानी होगी। और इस सब के बाद तुम्हें हैंड राइटिंग ऐड करनी है और कुछ इस तरह से जैसे कि वो पूरे टेक्स्ट को कवर कर ले और कलर उसका ग्रीन मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि ब्लू कलर तो हमने ग्रेडियंट में भी दिया ही है और तुम्हें आगे पता लगेगा कि हमने उसे ग्रीन कलर ही क्यों दिया है। और उसके बाद तुम्हें जो हर एक अल्फाबेट की लेयर है उसके लिए हैंड राइटिंग अलग अलग बनानी है और उसके बाद तुम्हें उन हैंड राइटिंग की जो इन एनिमेशन है उस इन एनिमेशन को ड्रॉ टू ऑर्डर पर शिफ्ट कर देना है और उसके बाद और अपने हिसाब से उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करना है। देन तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग की सारी लेयर्स को एक साथ कुछ इस तरह से लगाना है और वहाँ पर जहाँ पर तुम्हारी सेकंड टेक्स्ट की लेयर स्टार्ट हो रही है जहाँ पर तुमने कट किया था, देन अगेन तुम्हें अपनी टेक्स्ट वाली लेयर की ब्लेंडिंग को मल्टीप्लाई पर शिफ्ट कर देना है और उसके बाद तुम्हें हैंड राइटिंग पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसे सेंड बैकवर्ड कर देना है और इसी तरह उस तुम्हें अपनी सारी लेयर्स को पीछे भेज देना है, हैंड राइटिंग वाली लेयर को अपनी टेक्स्ट लेयर के पीछे भेज देना है। और उसके बाद मैंने अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट किया ताकि वो टेक्स्ट के साथ अच्छे से दिखे। देन हमें फोर कलर ग्रेडियंट वाली क्लिप ऐड करनी है जो हमने बिगिनिंग में बनाई थी एज अ क्लिप और उसके बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेना और देन हमें अपनी वो क्लिप ऐड करनी है टेक्स्ट वाली और उसके बाद अपनी लेयर और क्लिप के हिसाब से थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट कर देना।
देन उसके बाद जैसे भी तुम्हें सही लगे वैसे एडजस्टमेंट करना, और उसके बाद हमें टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करनी है। टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करने के बाद क्रोमा की में जाकर उसे इनेबल करना है और की कलर में ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है। दिस वन इज कूल राइट, जगह भी और टेक्स्ट रिवील भी, और मैंने तुम्हारे लिए और भी टेक्स्ट इफेक्ट्स बनाए हैं जिसके लिए तुम ये वीडियो देखो, नहीं तो ये वीडियो देखो।